नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप सभी का खास प्रोग्राम बॉलीवुड टू भोजपुरी। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ हम आप सभी लोगों के बीच कुछ खास शख्स के बारे में जानकारी देंगे, कुछ खास शख्स के बारे में बताएंगे और इसी के साथ हम आपको इस प्रोग्राम में कुछ अलग और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कह लीजिए, इमोशनल कह लीजिए, अलग अलग संगीत भी सुनाएंगे। जी, और आज के शख्स, आज जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उनके लिए एक लाइन बहुत खूबसूरत है, खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों को। जी हाँ, खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों ही। शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगु से होता है और इसी गुफ्तगु को बताने के लिए, आप सभी से करने के लिए मैं इस खास प्रोग्राम में खास व्यक्ति के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ। जब भी बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री की जिक्र होता है तो बॉलीवुड को, अगर बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कुछ अलग कुछ समय पीछे चल जाएं तो बीते समय पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री के आगे भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ भी तजब नहीं दिया जाता था, और तो और भोजपुरी फिल्मों को भी बी ग्रेड कह सकते हैं, बी ग्रेड फिल्म बताकर उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन इसी दौर के साथ अगर बात करें, भोजपुरी के कई ऐसे सितारे भी हैं जिनका नाता बॉलीवुड के बड़े हस्तियों के साथ रहा, जैसे कि अपने समय में लेकर अभी तक बॉलीवुड के चमकते सितारों में रहे अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो उनकी फिल्म आज का अर्जुन को लेकर, जो कि 1990 में आई थी, उनका एक गाना जिस गाने के बोल हैं, आना चले आना तू पान की दुकान पे, बिल्कुल आपको इस गाने के बोल से याद आ गया होगा मैं किस संगीत किस गाने का जिक्र करूँ। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, जी हाँ, आप लोगों को जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि इस फिल्म के गाने को लिखने वाले जो लेखक हैं बलेश्वर यादव, वो एक भोजपुरी के इंडस्ट्री के बेहद ही ज़्यादा फेमस और बेहद ही ज़्यादा हुनरबाज राइटर और सिंगर रह चुके हैं। खैर, आज की अभी तक तो फिलहाल यही, लेकिन इससे इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं ये रोमांटिक गाना। इश्क के नाम से डर लगता है, आंखों में तेरी सूरत है, इश्क के नाम से डर लगता है, आंखों में तेरी सूरत है, क्या कहूँ डर लगता है, आंखों में तेरी सूरत है, इश्क के नाम से डर लगता है, आंखों में तेरी सूरत है। आंखों में
चाहत को मैं कह ना सकूं, खोना ना चाहूं तुझे। चाहत को मैं कह ना सकूं, खोना ना चाहूं तुझे। बिठा लूं पलकों पे तुझको, हरदम आए तू ही तू नजर। बिठा लूं तुमको पलकों पे, तू ही तू आए नजर मुझको। जब देखूं तुमको पलकों में, तू ही धड़कन यूं बन जाए, तू ही धड़कन यूं बन जाए। आंखों में तेरी सूरत है, इश्क के नाम से डर लगता है। आंखों में तेरी सूरत है, देखा आपने दोस्तों कि आखिर किस तरीके से बलेश्वर महाराज बलेश्वर यादव जो है वो एक बहुत ही ज्यादा भले ही वो बॉलीवुड का उनका ये गाना फेमस हो गया है और इसी के साथ अमिताभ बच्चन के लिए भी ये गाना बहुत ही कह सकते हैं हिट साबित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बलेश्वर जो यादव है उनका नामों का जिक्र नहीं होगा। जी हाँ, बलेश्वर यादव, अब इनके बारे में जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि उन्होंने भोजपुरी के कई ऐसे गाने गाए हैं, जी हाँ, जिनमें उनका बिकई ए बाबू, जी हाँ बिकई ए बाबू, बीए पास घोड़ा, दहेज में, मांगे ले हीरो होंडा, दहेज में जैसे गीतों के अलावा और भी कई मशहूर गाने हैं उनके जरिए उनको एक अलग पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री में मिली। लेकिन इन सब के अलावा बलेश्वर महाराज बलेश्वर जो यादव है उनका आगे का सफर कैसा रहा, उनका आगे का ये सफर किस अंदाज में रहा, चलिए आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत गाना। परवाना है चढ़ी दीवानगी में इश्क तो परवाना है, हो दिल तो दीवाना है इश्क कमारा है, हो दिल तो दीवाना है इश्क कमारा है। चढ़ी दीवानगी में इश्क तो परवाना है, चढ़ी दीवानगी में इश्क तो परवाना है। इशारा खेल नैनो का है सारा, नैनो की कहानी रुस्तम का नजारा, रुस्तम का नजारा। जुल्फों का इशारा खेल नैनो का है सारा, नैनो की कहानी रुस्तम का नजारा। चांदनी रात हो या दिन का उजाला, तन्हाइयों में जख्म होते हैं। चांदनी रात हो या दिन का उजाला, तन्हाइयों में जख्म होते हैं। चढ़ी दीवानगी में इश्क तो परवाना है, चढ़ी दीवानगी में इश्क तो परवाना। इश्क तन्हाइयों में दीवाने पन का नजारा,
शिकवा शिकायत में भी दिल रोते हैं। इश्क तन्हाइयों में दीवाने पन का नजारा, शिकवा शिकायत में भी दिल रोते हैं। चढ़ी दीवानगी में इश्क तो परवाना है, चढ़ी दीवानगी में इश्क तो परवाना है। तो देखा आपने दोस्तों कि आखिर किस तरीके से बलेश्वर यादव, बॉलीवुड में भी उनका एक गहरा नाता रहा और बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी के तो वो चमकते सितारे थे ही। आपको बता दें आगे की जानकारी में कि बलेश्वर यादव का जन्म 1 जनवरी 1942 को मऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी के साथ बलेश्वर यादव एक सिंगर के साथ साथ वो एक राजनेता भी रहे हैं। जी हाँ 1979 में उन्हें देवरिया के पडरौनी से संसदीय क्षेत्र से जनता दल में उन्हें, और फिर 2004 में उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर वो विजय प्राप्त हासिल किए थे। और वो एक राजनीति में खास तौर पे एक खास नेता के तौर पे भी जाने जाते थे। लेकिन अचानक से इस महान कलाकार ने 9 जनवरी 2011 को दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी दोस्तों आज के हमारे उस सितारे का जिक्र जो कि भले ही अब हम सबके बीच मौजूद नहीं है, लेकिन इनका योगदान, इनका भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए योगदान, इनका किए गए ऐसे काम जो कि शायद बॉलीवुड और भोजपुरी भी नहीं भूल सकता, इन सभी चीज़ों, ये सारी चीज़ें कहीं इतिहास के पन्नों में कहीं दब के ना रह जाए, इसलिए हमने इस खास प्रोग्राम में इनका जिक्र किया है। फिलहाल आज शनिवार के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अगली बार फिर से मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों के लिए कुछ नई कहानी आप सभी लोगों के सामने पेश करूंगी। तब तक चैनल को देखिए, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचता रहे। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क